नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कि 2014 में मिली और 1947 की आजादी भीख थी। हाँ, उन्होंने बोले कटोरे में मिली भीख थी। जी, कांग्रेस के कटोरे में मिली भीख थी। अब शहीद भगत सिंह फांसी पे लटक गए, उन्होंने खुशी खुशी फांसी को चूम लिया। उन्होंने ये भी बोल दिया आजादी मेरी दुल्हन है, वो भी भीख थी क्या? भीख के लिए लड़े थे वो। दूसरा देखें, चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार दी भीख के लिए। कितने लोगों ने बलिदान दिया, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की आजादी की, उन्होंने भी भीख के लिए की थी क्या? कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसने ऐसा बयान दिया है और आप उसके सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आप पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्मश्री उन्हें मिला है, लेकिन वो उनके उन्हें उनके अच्छे नागरिक पे नहीं मिला है, उनको उसके उनके एक्टिंग पे मिला है, उनके उनके ढूंढे मारने पे मिला है, उनके उनके नाचने पे मिला है। जी, गलत थोड़ी ना है, काम नाचना काम। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, इस वो भी अच्छा काम कर रही है एक्टिंग का, पर जब वो एक्टर के लाइन में तो पॉलिटिक्स के लाइन में क्यों आ रही है भाई? देश हित की बात करती है, आपको नहीं पता प्रधानमंत्री मोदी से मिली है, योगी जी से मिली है, देश हित की बात करती है। एक महिला है जो देश हित की बात करती है, इतनी हमेशा देश हित की बात करती है। देश हित को तो वो भीख में बोल रही है, देश के हित की बात तो बाद में करेंगी, देश की आजादी को ही वो भीख बोल रही है, देश के हित की बात। 1947 में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है, कोई भी मुझे बता दे, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दूंगी। कंगना रनौत जी, आपने मनी कर्णिका की एक्टिंग तो कर ली है, और आप अब एक्टिंग करके भी आपको ये नहीं पता कि क्या आजादी लड़ी थी, तो कंगना रनौत जी मेरे को आप पे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे दावे देने से पहले आपको ये तो जान लेना चाहिए कि आजादी किसने लड़ी थी, कैसे हुई थी। वहीं कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया है कि एक गाल पे थप्पड़ मारने से आजादी नहीं मिलती। जी, आप देख सकते हैं कंगना रनौत जी ने कितनी बातें उठाई हैं, बहुत सारे नेताओं पे बातें उठाई तो कहती है ना सारी बातें, देश हित में कह रही है। मैं बताया आपको, जैसे देश आजादी पे ही वो भीख कह रही है, देश हित में क्या बात करेंगी? और आप बताइए देश के हित की क्या बात कर रही है वो? सोनू सूद के घर पे तो मोदी जी ने रेड पड़वा दी, और इधर कंगना रनौत जी को पद्मश्री मिला रहे। सोनू सूद ने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? उनके घर पे तो आपने रेड पड़वा दी, आपने देखा लॉकडाउन में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनके घर पे तो आपने रेड पड़वा दी। मोदी जी, सब पूरे दुनिया जानती है कि कंगना रनौत जी आपको किस लिए वोट मिला है, किस लिए आपको पद्मश्री मिला है। हाँ, तो उनके काम पे मिला है ना, उनकी एक्टिंग पे मिला, आपको नहीं पता कितनी हिट मूवी दी है। हिट मूवी तो बहुत दी है, लेकिन मोदी जी की तो मनचाही भी तो वही है। कहना क्या चाहती हैं आप? मोदी जी को भी वही, उन्होंने इसलिए मैं सोनू सूद को क्यों नहीं मिला, उन्होंने भी, वो भी एक्टर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, उनकी भी कई मूवियाँ हिट गई हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं मिला? किस चीज के लिए रेट पड़ा है मुझे बताइए? पहले एक काम उन्होंने किया, अच्छे काम किए उन्होंने लॉकडाउन में, कितने सारे अच्छे काम किए। कंगना रनौत ने क्या किया भाई? कंगना रनौत देश हित की बात करती है, क्या बात किया आप उन्हें बताइए? हर नेता को तो वो गाली दे रही है, हर नेता ने ये गलती कर दी, हर नेता ने ये गलती करी है। कंगना रनौत जी, आप मूवी हिट करने के लिए बनी है, आप एक नाचने के लिए ही बनी है, आप ढुमके लगाने के लिए ही बनी है, आप नेता बनने के लिए नहीं बनी है। आप कैसे कानून वापस हो रहे हैं, क्या किसानों को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि तो बीजेपी को तो पूरे देश से भगाना चाहिए। क्यों? बहुत काम है उनके ऐसे। अब कानून तो वापस कर दिया ना, कानून वापस नहीं किया है, बस प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया ना। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।